सच में, पर उनकी आपकी एक्टिंग क्या बोलूँ यार, उनकी आपकी एक्टिंग तानाजी में भी देखी थी हमने, और यहाँ सिंगम में भी वो करते, पर यहाँ पे किस तरह से देखते किस तरह से वो दिमाग माइंड गेम बोलते हैं। ये मूवी को मिस मत करो, जितना हो सके जाओ देखो, ये मूवी ऐसी है ना एक बार नहीं बार बार देखने का। एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों 2014 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को क्या हुआ था? जहाँ दोस्तों ये राज 7 साल से छिपी हुई है और फाइनली जाके 2022 में पता चल गया है कि 2014 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे टॉम और जेरी भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है। 7 साल बाद विजय सर आ गए वापस, विजय सालगांवकर, सालगांवकर, सालगांवकर नहीं, सालगांवकर सर ने, सर ने मेरे को थोड़ा जबान पे नहीं आता है। चलिए विजय भाई बोलो। आपने देखा विजय भाई की मूवी दृश्यम 2, 7 साल बाद आए हैं वापस बड़े स्क्रीन पे, ये मूवी सीक्वल है। यस, तो चलिए आपसे जानेंगे कि आपको कितनी खास लगी ये मूवी। आज हम बैक आ गए, देख रहे पीछे पोस्टर, सैटरडे का मॉर्निंग शो, सबसे पहला शो हम लोग आगे देखने के लिए, छुट्टी सैटरडे संडे मिलता हम लोग। अभी बात करूँ ये दृश्यम की, ये दृश्यम 1 2015 में आई थी, अभी दृश्यम 2 आ गई 7 साल बाद। पिक्चर में भी बताएगा आपको 7 ईयर्स ले आफ्टर क्या स्टोरी है। अभी मैं इतना बोलूँगा कि ये साल में जितनी रीमेक आई सब फ्लॉप हो गई, चाहे वो जर्सी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो या फिर विक्रम वेदा कॉपी पेस्ट हो सेम टू सेम, या फिर वो निकम्मा कॉपी पेस्ट हो, कुछ भी हो, एक ढंग की नहीं चली। और हम लोग को पता है कि स्टोरी क्या रहेगा, भले हम लोगों ने जर्सी भी ओरिजिनल देखी है तो हम लोग पता है क्या स्टोरी है। विक्रम वेदा भी ओरिजिनल देखा था और रीमेक में भी हमने देखा क्या है। इसका भी मैंने दृश्यम का 2 का मोहनलाल का देख चुका था मूवी, फिर मैं अजय देवगन का देखने आया। और मैं पहली बात बोल रहा हूँ कि रीमेक देखे मैंने क्लाइमैक्स पे, स्टोरी मालूम है कि भी मैंने सीटियाँ मारी है, सीटियाँ मारी है, क्योंकि ये बंदा अक्षय खन्ना को खा जाता है। और अक्षय खन्ना के साथ में वो चौथी फिल्म है उनकी, चौथी या पाँचवीं फिल्म है, पहले उनकी आक्रोश आई थी, फिर दीवानगी आई थी, और भी दो तीन और दो तीन पिक्चर है 90s में उन्होंने बहुत किया है, याद नहीं आ रहा है, पर इतना मालूम आक्रोश पिक्चर मैंने देखा था क्योंकि उसके अंदर एक गाना है सौदा वफा, वो उसका गाना है सौदाबाजी वाला गाना। पर अभी इस साल में लोग आमने सामने आते और क्या मतलब हमारे विजय सालगांवकर ये भाई ना सिंगम से एक्टिंग उनसे सिंगम से ज़्यादा है, सिंगम कम है इनके सामने, इतना मासूम सा बोले सब कांड करने के बाद भी एकदम मासूम। स्टोरी तो पूरा मालूम ही था हम लोग को पहले से क्या है क्या है नहीं, हम लोग थिएटर में अभी यही आने वाला है क्योंकि हम लोग यही नहीं करने के आगे क्या आगे ये सीन नहीं था ये मालूम ही होने, पर इनका परफॉर्मेंस देख के मज़ा आ गया, सच में हैरान कर दिया। और हमारे फिर बाद में श्रीली उनका नाम है शायद से श्रीया जो एक्ट्रेस है जो उनके साथ ये साल में RRR में वाइफ बन के आ गई और ये साल में वापस से वाइफ बन के आ गए। जिस बोले ये साल में विजय देवगन ऐसे कास्टिंग किया है कि वो ये साल में दो दो हीरोइन के साथ दो बार आए, जैसे कि राकुल प्रीत के साथ 2 मूवी किया थैंगोर और अपना ये थैंगोर में तो उनके साथ 3 है, मतलब वो सीधा मोर की वाइफ थी पर फिर भी थी उसकी पिक्चर में, और रनवे 34 और दृश्यम में अभी श्रीनी मैम और अपनी है वो पोस्टर में है नहीं पिक्चर में अपनी मेन तब्बू, इनका तो कैरेक्टर आपको पता ही है दृश्यम 1 वैसे दृश्यम 2 है, एंड में क्लाइमेक्स में रोना ही है जीत के हारना बोलते हैं उनको सीखो सच में, क्योंकि 1 में भी क्या हो गया कि रोई कुछ नहीं मिला, 2 में भी बोल दे अभी वो फंसेगा बट में यही रोती है ये भाई जीत जाता है इतना मजा आया, मतलब स्टोरी इतना मतलब अच्छा लगा देखने को। और इसमें मैं बोलूँ ना अजय देवगन के बिना ना ये पिक्चर फ्लॉप है, क्योंकि ये इनके लिए परफेक्ट रीमेक है, क्योंकि ये ऐसा रीमेक हम लोग को किया ना कि हम लोग रीमेक मतलब हम लोग ने ओरिजिनल देख चुके हैं मोहनलाल सर की, पर रीमेक देख के भी हम लोग पूरा घुस गए। क्यों घुस गए? क्योंकि इनकी एक्टिंग, इनकी आँख और उनके स्वैग स्टाइल, अक्षय खन्ना बोले तो बहुत टाइम बाद है, खास उनके लिए मैं पिक्चर देखा बहुत टाइम से स्क्रीनिंग पे बड़े पर्दे पे देखे ना, मैंने उनकी लास्ट मूवी दृश्यम में देखी बड़े पर्दे पे, इत्तेफाक नहीं देखा था मैंने क्योंकि वो टाइम नहीं मिला था। दृश्यम 1 में जब आई थी ना 2015 में तो मैं थिएटर में नहीं देख पाया क्योंकि वो टाइम में हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग एग्जाम्स थे तो हमने देख पाया, पर एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम लोग ने पक्का ये मोबाइल में देखा था और हम लोग हैरान हो गए थे तभी देख के, तभी मैंने ओरिजिनल देखा था, मेरे लिए ओरिजिनल अजय देवगन की मूवी थी, बाद में मैंने मोहनलाल सर की मूवी देखी थी। अरे 2 मैंने मोहनलाल के लिए देख लिया था पहले, पर इनके लिए मेरे को आना था वापस से, और मैं आया और मैं बहुत मजे किया, बोले इतना इंटरेस्ट आया ना कि ऐसा रीमेक दूसरी बार देखने का मन कर रहा है दूसरी बार सच में। और ऐसा अजय देवगन ने 3 पिक्चर निकाले, तीनों पिक्चर मेरे को सब अच्छी लगी, पर वो बॉक्स ऑफिस चले ही नहीं,
पर ये पब्लिक ने जो फर्स्ट डे कल मतलब कल मैं देखने नहीं अपने इसको ओपनिंग पता चला हमारे उनकी खुद की मूवी तानाजी का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने फर्स्ट डे का खुद की और 15-16 करोड़ बहुत बड़ी बात है। और ये सस्पेंडेड मूवी है और जिसने रीमेक नहीं देखा ना मतलब ओरिजिनल नहीं देखा वो आएगी देखने विजय सालगढ़ के लिए तो आएगी देखने के लिए क्योंकि ऋषम एक ब्रांड बन गया जैसे सिंघम का ब्रांड है और इसका तीसरा बात का भी मालूम पड़ गया कि आने वाला है। पर अभी मैं बोल रहा हूँ अजय देवगन सर आप भले मूवीज रीमेक्स बनती है मतलब ओरिजिनल आप यही बोल पर इसका सीरीज बनाते रहो क्योंकि मजा आ रहा है क्योंकि इसमें ना ये रीमेक नहीं लग रहा हमको ये आपका परफॉर्मेंस जो हमको एक्चुअल एक्टिंग क्या है ना आप बता रहे हो क्या है मजा आ गया देख के। और बाकी जेरी भाई बोलेगा क्या बोलने दृश्यम टू मतलब इतना बोल सकता हूँ ये दृश्यम है ना सबको घायल करने वाला है पूरा घायल कर दिया मतलब यार मैंने सबसे पहला मलयालम में देखा मलयालम साइड के फिर तेलुगु में देखा दोनों कड़क लगा दोनों का बाप ये निकला अजय देवगन यस मतलब रीमेक है रीमेक साउथ का रीमेक इनफैक्ट 98% पूरे वर्ल्ड को पता है या पूरे मुंबई को पता है या किधर भी हो कि ऑलमोस्ट दो जगह पे निकल चुकी है तीसरे जगह पे आई है फिर भी ऐसा पकड़ के रखा है ना विजय सालकर ने अजय देवगन नहीं बोलूँगा विजय सालकर ने क्या खाया है पूरे पिक्चर ले लिया उसने। सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा ये बंदा अजय देवगन बॉलीवुड का कमबैक ये लाएगा यही है भाई लाने वाला क्योंकि ले बाकी सब पी का है यही बंदा खड़ा है यही बंदे से मेरे को उम्मीद है कि बॉलीवुड को कमबैक लाएगा और कोई भी नहीं ला सकता है जिस तरीके से अरे यार डिट्टो रीमेक है बट इनका बताने का स्टाइल अलग विजय सालकर का एक्टिंग अलग फिर जिस तरीके से प्रेजेंट किया जो क्लाइमैक्स खोला है ना क्या फाड़ दिया यार मतलब वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए इतना वो करके रखा है स्पीचलेस सबसे भारी अच्छे खन्ना इसका तो क्या ही बोलू ऐसा अतरंगी रोल दिया है मतलब अतरंगी नहीं बोल सकते एकदम नेगेटिव वाला रोल और कैसा सब एक ही विजय सालकर निकाल लेते हैं ऐसा तुम बता दो कि नहीं कि तुम्हारे फैमिली को मारो और उनका रोल ऐसा ही है ऐसा तुम बता दो कि नहीं या फिर ऐसा ही है आग लगा दिया बस इतने में आग लगा दिया सोचो एंट्री तो खतरनाक एंट्री जैसे पीछे से क्या मजा आया मुझे देख के फिर जिस तरीके से पूरा पिक्चर लिया है ना अक्षय खन्ना ने खतरनाक मजा आ गया भले लास्ट में उसकी बैंड बजी है उसका बचका हुआ है पर जितना रोल उसने निभाया ना पूरा फाड़ दिए ना सच में बहुत मजा है इंटरवल बहुत मजा है बहुत मतलब फर्स्ट हाफ है ना पूरा इंटरेस्टिंग है सेकेंड हाफ तो पूरा घुस ही जाएगा और ये पिक्चर मैं बोल रहा हूँ ना जो लोग ने साउथ के लैंग्वेज में नहीं देखा है ना ये पिक्चर उन लोग के लिए दिवाली है दिवाली क्रिसमस न्यू ईयर सब है इसमें क्रिसमस न्यू ईयर निकालो मैं तो बोलूँ दृश्यम टू में निकालो सच में जिन्होंने साउथ में नहीं देखा जिन्होंने साउथ में देखा जिसको हिंदी डब में नहीं मिला है हालांकि नॉन हिंदी में निकला है वेबसाइट पे तो उन लोग के लिए तो ठीक है कोई बात नहीं मोहनलाल की हिंदी में देखा पर नहीं बताऊंगा वेबसाइट सीन क्या है वो वेबसाइट पता भी चलेगा ना फिर भी आप इसको ही पसंद करोगे हम लिख के देते क्योंकि हमको इतना डुबाया इतना घायल किया ना ये मूवी ने तो मैं खुद बोल रहा हूँ साउथ से भी हटके बनाया ले खाली ये बंदे की एक्टिंग की वजह से सबने अच्छा काम किया अक्षय खन्ना ने अच्छा काम किया सिंघम में जिस तरीके से रोल किया है ना दृश्य में से दुगना किया है इसमें गाड़ी घुमा के नहीं आता है इसमें ऑडियंस को घुमा दिया है ऐसा कर दिया सच में मतलब दृश्य में ना खड़ा कर दिया बस इतना बोलूंगा भाई ये बंदा है ना बॉलीवुड का है ना कमबैक लाएगा और ये टाइम बॉलीवुड कमबैक मेरे को और एक बात बोलना है कि क्लाइमेक्स में जो इस तरह से हम लोग को मालूम है मोहनलाल की मूवी का क्लाइमेक्स देखा पर यहाँ पे सौरभ शुक्ला है जिन्होंने क्लाइमेक्स में आते हैं काम करने उनका क्या रोल है यार बोला क्लाइमेक्स उन्होंने थोड़ा खा लिया है अक्षय खन्ना को उन्होंने गिरा दिया बोला मेरे ऐसी स्क्रिप्ट वो आया था मेरे पास बोलने के लिए उनका जिससे सब बोलने का तरीका और सब सोच सोच के बोल रहे थे ना ऐसे लग रहा है कि रियलिटी में कुछ मतलब जवाब दे रहे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एकदम रियलिटी में और मेन मारे मोटिव क्या है मतलब ये रीमेक का मजा आना कास्टिंग बहुत अच्छी कास्टिंग की अक्षय खन्ना इतना परफेक्ट एक्टर अजय देवगन ऐसे परफेक्ट वो विजय फैमिली भी वही लिया है वो बच्ची भी देखो छोटी चेंज नहीं किया वैसे ही रखा थोड़ी बड़ी हो गई हाँ तब्बू भी वही और उनका हस्बैंड भी वही सेम कास्टिंग सेम टू सेम वैसा ही रखा है लोग ने बस अक्षय खन्ना ऐड हो गया और मजा आ गया देख के अक्षय खन्ना ऐड करके इनफैक्ट तब्बू से तो मेरे को उम्मीद नहीं था क्योंकि दृश्यम जो वन में था सेम टू में मैंने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि मेरे को पता ही था वही रोना धोना मिलेगा जीत के बाद हार मिलेगा तो वही तो तब्बू से कुछ रिएक्शन अजय देवगन के साथ बहुत सारी मूवी आई बहुत सारी मूवी गोलमाल 4 आई दे दे प्यार दे आए कभी वापस से आए इसमें
तो सच में बहुत सारी मूवीज में ऐसा लग रहा है अजय देवगन अभी कोई नई एक्ट्रेस नहीं, यही सब के साथ काम करना उनको। अभी शायद से और की मूवी अगले साल आने वाले जो वापस तब्बू है उसके अंदर कॉमेडी मूवी आने वाली है कुछ। पर अभी फिलहाल अभी सौरभ शुक्ला अजय देवगन की बात करो तो ऑलरेडी उनको रेड पिक्चर में भी देखा था, वहाँ पे क्या रोल था यहाँ पे क्या रोल था, मतलब देखो ना सब वही एक्टर के साथ वापस काम कर रहे। अक्षय खन्ना के साथ तो 3 मूवी बना चुके हैं, LOC बना चुके हैं, दीवांगी बना है, आक्रोश बना, अभी चौथी दृश्यम 2 है। तुम बता दोगे नहीं कि तुम्हारे फैमिली को मारो, तुम बता दोगे नहीं भाई, आग लगा दी बस इतने में खत्म हम लोग घायल हो गए इतने। अभी तो वेट कर रहे हैं कि दृश्यम भी चला, अभी पहले मोहनलाल, अभी मोहनलाल की जो मूवी थी वो आई थी अमेजन पे, पर वो थिएटर में आती तो उस साइड में तो लोगों को मजा आता था, इसमें ये मूवी ऐसे सोचने में अमेजन में मजा नहीं आता, थिएटर वाली। और ये थिएटर वाले अजय देवगन निकाला टाइम लेके निकाला, इस बार लॉकडाउन का ही पता है, इससे मालूम पड़ा इसका सेकेंड हाफ लॉकडाउन में बना है, क्योंकि इसमें वो आता है गौतम, क्या नाम है, उनको लेके ना बराबर काम, क्योंकि उनको देख के गुस्सा आना चाहिए ऑडियंस को, हम लोग गुस्सा आया बंदे ने ना पार्ट 1 से ज्यादा ना पार्ट 2 में एक नंबर किया, कॉमेडी कॉमेडी गुस्सा सब करवाया उसने, पार्ट 1 में कैसा इतना गुस्सा नहीं दिला है, बट पार्ट 2 में जिस तरीके से उन्हें एक्टिंग बताया ना, अरे पब्लिक पकड़ पकड़ के मारेगी, ऐसा इसने एक्टिंग किया, इतना गुस्सा दिलाया ऑडियंस में। उसमें यहाँ पे बोल वो पार्ट 1 की याद करता है कि पब्लिक मारने भी आती है यार, तो अक्षय खन्ना बोलते हैं ऐसा एक्टिंग किया, पब्लिक अब भी उसको पकड़ के मारेगी, ऐसा एक्टिंग किया, इतना दिलदार एकदम बोल रहे छूने वाला एक्टिंग किया उसने, कि पब्लिक गुस्सा ही आना चाहिए देख के, पसंद नहीं करो मेरे को गुस्सा करो ऐसा है। सच में मेरे मुंह से ना रीमेक का मतलब इस साल की रीमेक जो बनी है मैंने एक ही बात बोला कि कॉपी पेज है, वही है कि एक्टिंग थोड़ा अच्छा क्या ही है, पर यहाँ पे यार सब कुछ मतलब रीमेक लेके ऐसा फील नहीं हो रहा कि रीमेक देख के आया भाई, अजय देवगन ऐसे फ्रेश स्टोरी लेके आया। और ये साल उनकी खुद की डायरेक्शन की मूवी Runway 34 चली नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी तरह से बनाई थी उन्होंने, बहुत अच्छे से, थैंक गॉड भी अच्छी थी, फिर पब्लिक नहीं गई, पर ये ऐसी मूवी ना पब्लिक जा रही देखनी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी ओपनिंग से पता चल रहा है, और सैटरडे से संडे तक 50 करोड़ हो ही गए, और अभी आज के शो में कोई 60-65% सीट ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे हम थिएटर में ना अभी एक वीडियो दिखो जरा, ये ले रहे हम लोग, यहाँ पे अभी नाइट का शो फुल है, सब फुल है, ये बहुत बड़ी बात है, तो मतलब रीमेक रह के भी मतलब विजय सालकर का मेहनत दिख रहा है इसमें, अक्षय खन्ना है, तब्बू है, फिर उसके फैमिली विजय सालकर के, जो इतना अच्छा मतलब इतना कड़क पकड़ा स्टोरी को, ऊपर से जो कैरेक्टर्स है, जो स्टोरी है, मतलब कैसा एक टाइप का हर एक का ना एंटरटेनमेंट लग रहा है इसमें, वो भले स्टोरी हो या विजय सागर की फैमिली हो या अक्षय खन्ना हो या तब्बू हो, हर जगह से ना किधर भी कमी नहीं छोड़ा है ये मूवी ने, सब जगह से पकड़ के रहता है, और पब्लिक मैं बोल रहा हूँ लिख के देता 100% पब्लिक एंटरटेनमेंट हो ही गई और पसंद आएगा, सच बोल रहा हूँ। ये मूवी में ना मेरे को सब कुछ इतना अच्छा लगा है ना, कास्टिंग अपना कास्टिंग से लेके जे इसको मैं रीमेक देख के भी इतना मजा आ रहा है ना, तो आप मानेंगे नहीं रीमेक को मैं 5/5 दूंगा, क्योंकि यार स्टोरी जान के भी जो इस तरह से बंदे ने मजा दिलाया ना मूवी में पूरा, मतलब वापस घुसा दिया, ऐसा लग रहा है कि मैंने फ्रेश स्टोरी मतलब फ्रेश स्टोरी देख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी देखा था रीमेक, पर ऐसा लग रहा है फ्रेश स्टोरी देख रहा हूँ, ऐसा अजय देवगन ने घुमा दिया है परफॉर्मेंस, और मेन यार आग की क्या बात करूँ, इनकी तो बात अलग ही है, बिना पिए भी ऐसा लग रहा है कि 4 पैक मार के सच में, पर उनकी आग की एक्टिंग क्या बोलूँ यार, उनकी आग की एक्टिंग तानाजी में भी देखी थी हमने, और यहाँ सिंगम में भी वो करते हैं, पर यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वो दिमाग माइंड गेम बोलते हैं ना यार, ये 5वीं फेल से सीखो माइंड गेम, चौथी फेल हाँ ज्यादा बोल दिया चलेगा नहीं वो भी भाई अपन ग्रेजुएशन में कैसे दिमाग लगाए, जिससे वो लगाए इससे एक मूवी से एक चीज सीखने मिला है, जो कम एजुकेटेड वाले रहता है ना उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये यहाँ पे तब एक बात बोलती है ना कि इसने अपने माँ को अंडर एस्टिमेट किया है, नहीं भाई 5वीं फेल वही का चौथी फेल वही का वही है, तुम भाई थाने से रोके चले जाओ, अभी तुम थर्ड पार्ट में दिखना है मत, कुछ अलग स्टोरी चाहिए अपने को, शायद से कुछ अलग बन सकते हैं, पर चाहे तो मैं सोचा तब्बू भी रहेगी तो और मजा आएगा, क्योंकि हम लोग को वही कास्टिंग चाहिए भाई, इसको सस्पेंस मत करो, मालूम है एक के हार गया पर सस्पेंस मत करो उसका क्लाइमेक्स में जैसे बोलते हैं मेरे को 7 साल सस्पेंड किया, 7 साल मेरा लॉकडाउन में क्या ऐसा लग रहा है ऐसा डायलॉग है, बहुत अच्छा का मूवी है, बहुत अच्छा रीमेक है, परफेक्ट रीमेक है। अभी रेटिंग ऐसा है ना कि मेरे को रेटिंग नहीं देना ये मूवी तो, मतलब इतना प्यारी सी मूवी है ना, उल्टा मेरे को इनफैक्ट बोलना है कि पब्लिक को बोलना है कि सच में यार ये मूवी को मिस मत करो, जितना हो सके जाओ देखो, ये मूवी ऐसी है ना एक बार नहीं बार बार देखने का मन करेगा, और रेटिंग के हिसाब से ना भाई रेटिंग मतलब 5 स्टार कुछ नहीं है इसके सामने, पर 1000 मिलियन सब ले लो,
इतना है कि दिल भी ले लो, ऐसा बंदे ने दिल जीता है। क्योंकि खुश इस बात का है ना कि एक रीमेक के बिना बहुत टाइम पर बॉलीवुड का अच्छा फील हो रहा है, एक मूवी देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने टाइम से मूवीज चल ही नहीं रही है, सब बकवास जा रही है, फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही है। ये मूवी के लिए दुआ है हमारी कि बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर, और जिसने अगर ओरिजिनल नहीं देखा है तो मत देखो पहले ओरिजिनल, पहले मैं बोल रहा हूँ जिसने अभी तक ओरिजिनल नहीं देखा है मत देखो, अजय देखो की मूवी आके देखो उसके बाद आप ओरिजिनल देखो, क्योंकि ये बंदे का परफॉर्मेंस देखो आप आके। अब खावा आप बोलोगे यार का मतलब ओरिजिनल जो मोहनलाल एक्टिंग है ना, दो गुना ज्यादा अजय देवगन ने किया है, ये मैं बोलूंगा दो गुना ज्यादा किया है, टक्कर मारा है। अबे इसमें गाली आएगा कमेंट्स में, पर बुरी बात मतलब मैं बुरी बात बोलता ही नहीं हूँ ना, नेगेटिव बोलता हूँ, बट अगर जो बॉलीवुड ऑल्सो क्योंकि सच बात है अजय देवगन ने थोड़ा टक्कर मारा है मोहनलाल सर को, ये पक्का। और यही बंदा है जो बॉलीवुड को आगे आगे लेके आया। हाँ, इस पे और बॉलीवुड इज बैक, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि अजय देवगन करे से रोहित शेट्टी उठा सकते हैं, भाई वो अपना खुद से भी कलर उठाते हैं, ऑरेंज जानी चाहिए बस, वही बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।